देखिए यहाँ पर ए है ए है ए है, एक ही जैसा डिजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप बोलिएगा जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा देर, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए मैं जीरो लूंगा, जीरो इसको भी जीरो लूंगा। क्यों जीरो लूंगा, क्योंकि एक ही जैसा है ना, पी 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 रहता, एस 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 रहता, एक ही है, ठीक है। तो अगर ए है ए है ए है, इस तीनों एक जैसा है, तो यहाँ भी जो अंक लेंगे वो भी एक जैसा रहना चाहिए, ठीक है। तो जीरो है जीरो है, तो फिर यहाँ पे जीरो है, तो अब यहाँ पे जीरो 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 को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी पर भी गौर कीजिए, तो दो डिजिट आएगा, सबको जोड़ने पे कितना आएगा, दो डिजिट आएगा, तो जीरो तो होगा नहीं इसका, ठीक है। फिर एक लेते हैं, एक एक एक, क्लियर। तो फिर यहाँ पे जोड़ते हैं तो एक दो तीन आएगा, तीन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिक्कत क्या होगी आप, कि ए है ए है ए है, फिर यहाँ पे ए है, तो ये तो समझ गए कि एक जैसा है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो एक 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 है, तो यहाँ भी नहीं करना चाहिए, यानी कि एक जैसा देख रहे, सब एक जैसा यहाँ पे है, तो ये भी हो गया। फिर दो दो भी नहीं होगा, क्योंकि दो यहाँ आ जाएगा, दो दो, फिर यहाँ पे दो दो दो, चार दो छः हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, तीन में भी गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ का जो आंसर जो होगा वो पाँच होगा। देखिए पाँच हो गया, यहाँ भी कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो पाँच दस पंद्रह, जोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, तो जोड़ेंगे तो पंद्रह हो गया। अब देखिए दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन में अगर चार ऑप्शन रहेगा तो पाँच एंड वन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो गया ये, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे पाँच है, पाँच है, तो ए ए ए यहाँ भी है, तो यहाँ भी पाँच पाँच पाँच, यहाँ भी आ पाँच, तो पाँच दस पंद्रह हो गया, और यहाँ पे एक हो गया, यानी कि ठीक है ना। अब बोलेंगे सर उसके आगे नहीं ले सकते हैं, तो दस के अंदर ही लेंगे, आगे नहीं लेंगे, क्योंकि दस जब ही ले लेंगे तो दो अंक हो गया, लेकिन है तो यहाँ पे एक ही अंक, बात समझ ना। तो सबको जोड़ के यहाँ पे क्या आ गया, पंद्रह आ गया, तो ए हो गया, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो यानी कि पाँच 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 और पंद्रह हो गया, तो पंद्रह में दो डिजिट आता है तो पाँच आ गया, तो ये तो अपना हो गया ए जैसा पूरा, तो यहाँ पे पाँच पाँच जैसा, ये एक किसके जगह पर आ गया, बी के जगह पर, तो बी के जगह पर एक आ गया, एक के जगह पर पाँच आ गया, ठीक है। यही सेटिंग होगा, पाँच पाँच सेटिंग होगा, अदर चीज सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एक हुआ पे दो दो करके लीजिए, तो कहाँ आया, दो दो चार दो छः आ गया, तो पहली बात तो दो डिजिट पूरा नहीं, दूसरी बात अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो देंगे फिर भी गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो 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 यहाँ भी दो आना चाहिए, तो नहीं हुआ, तीन में भी नहीं होगा, चार में भी नहीं होगा, छः में भी नहीं होगा, सात में भी नहीं होगा, आठ में भी नहीं होगा, नौ में भी नहीं होगा, तो बचा क्या, पाँच बचा, पाँच के अलावा इसका कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे जाते हैं तो दस आ जाता है, दस में तो दो डिजिट हुआ, लेकिन है तो यहाँ पे एक ही, तो इस हिसाब से इसका पाँच और एक आंसर होगा, जहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा पाँच और बी का वैल्यू हो जाएगा वन। थैंक यू।